ये है टावर रोड, टावर तो पीछे था क्या कौन सा? ये चंडीगढ़ रोड है। हाँ ये चंडीगढ़ आई 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 चंडीगढ़ रोड आई 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 नहीं आई आई चंडीगढ़ रोड आई आई मतलब आई फॉर आई आई मीन्स मैं मैं चंडीगढ़ गया था चंडीगढ़ रोड आ जाओ वीडियो बना रहे हैं घर से ये वीडियो बना रहे हैं मूवी में आऊंगी अल्लाह मेरा मेकअप सही नहीं है गालियां बड़ी पड़ी है यार ईस्ट गार्डन था ना वो हाँ वो लोग बोल रहे तुमने गलत गाइड करा है तुम जो पीछे बोल रहे थे ना ये भाई वो जो गाली दे रहे ना वो भी तो जाहिल है भाई कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है हाँ ये भी बड़ा बोल रहे गाली क्यों दे रहा है वो जो है वो बोल रहे हैं कि पता ही नहीं है और ये वो रास्ते का नहीं पता झूठ बोल रहा है ये गली नहीं है और ये सामने क्या भैया सामने सीधा 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 शाहीन कॉम्प्लेक्स शाहीन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बिरयानी बनाते हैं तो उसका मसाला जो होता है प्योर मसाले डालते हैं ना ये लोग खाली मसाले डालते हैं क्या डालते हैं हम लोगों में जो है ना लौंग भी पड़ती है तज भी पड़ते हैं कड़ी पत्ते भी पड़ते हैं वो भी पड़ता है ये भी पड़ता है हाँ 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 लोग जो बना रहे हैं ना खाली वो मसाले तैयार मसाले आते हैं उनसे बना रहे हैं अच्छा ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था खाते वक्त कोई केमिकल वगैरह तो ऐसा ही मिक्स नहीं करते जिससे मतलब यानी कि गरम मसाला पिसा हुआ बहुत है जायका ऐसा हो जाए नहीं गरम मसाला देखो यहाँ पौधे फिटिंग हो रही है ये देखिए भाई बहुत ही ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और आसपास जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं और ये देखिए रोड बनाया जा रहा है लेकिन यही रोड बनता है लेकिन जो दूसरे जो टूटे हुए रोड है वो नहीं बनता होता क्यों क्योंकि ये जो है रेड एरिया कहलाता है मेरे ख्याल से यहाँ का ना यहाँ पर पीछे जो है आपको होटल्स हैं बड़े बड़े और यहीं से वीआईपी भी है हार्ट काउंसिल भी है और वीआईपी यहीं से गुजर रहे होते हैं तो उसके वजह से जो है ना यही रोड रिपेयर हो रहे होते हैं जो रोड ख़राब होते हैं वो नहीं बन रहे होते हैं अभी आप देखें कितनी खूबसूरती से ये जो है ये चौरंगी बनी हुई है और कितनी खूबसूरत हरी वाली ट्रायल बाइक जा रही है और ये देखें ये ट्रायल बाइक भी जा रही है और कराची है ये कराची है कराची के रोड देखें आप लोग बोलते हैं कि कराची गंदा है गंदा हाँ गंदा है लेकिन सब जगह गंदा नहीं है ना आवाम ने तो गंदा किया हुआ है भाई हम लोग जब तक अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे सफाई होगी जो खाता पीता है वो रोड पे फेंक दे के चले जाता है तो भैया ये है और कोई मसला नहीं अभी देखें बिल्कुल साफ है अब यहाँ पर आवाम को छोड़ दिया जाए ना जैसे मिसाल के तौर पर हर कोई तो ऐसा नहीं होता होगा लेकिन कोई कोई ऐसा होता होगा कि जैसे कि हम पिंजरों में से जैसे किसी जानवर को छोड़ देते हैं वो जब बाहर निकलता है वो गंदगी मचा देता है जब तक वो पिंजरे में बंद होता है तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहता है तो यही मिसाल हो गई हमारे कराची में तो कुछ जानवर भी आ जाते हैं ये हमारे ये सीधा 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 ये हमारे जो है प्रेस क्लब है और यही यहाँ पर जो है एहतजाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें यही प्रेस क्लब के पास जो है आके करते हैं और ये भी गवर्नमेंट का इदारा है कि हमारा प्रेस क्लब
ये सामने जो है वो रेंजर्स का मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वार्टर्स है, और ये सामने जो है बिल्कुल ज़ैनब मार्केट है, और आपको मैं देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ये ज़ैनब मार्केट। असल में ज़ैनब मार्केट जो ना ये पट्टी थी, लेकिन लोगों ने पूरे उसको ज़ैनब मार्केट एरिया को ज़ैनब मार्केट कर दिया, पूरे एरिया को जो एरिया नाम है उसको हटा के ज़ैनब मार्केट हो गया। अब ये नहीं नहीं ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट है, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट है, ज़ैबुन्निसा, लेकिन लोग जो है उसको ज़ैनब मार्केट के उस पर जानते हैं। और ये हमारा आ गया सदर, सामने बिल्कुल ही सामने जो है सदर है, और उसके रेक सेंटर हमारा पीछे रह गया, गलत मोड़ लिया। तो हम वापस जा रहे हैं रेक सेंटर की तरफ, आगे से कट की तरफ। अच्छा, आपको कुर्ता वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए तो आप जो है ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग, हाँ यही वाली बिल्डिंग, इसके नीचे जो है बहुत सारे जो है आपको दुकान से ऐसे मिल जाएंगे कुर्ते वाली। आपको बाहर ही जो है वो कुर्ता नज़र आ रहा होगा, ये कुर्ते वाली गली है, कुर्ते वाली मार्केट है। और आज जो कि एतवार है, दुकानें बंद हैं, यहाँ सारे सुनार वाले बैठे हुए होते हैं, आपको जो है सारे सुनार वाले हैं, यानी कि कुर्ते वाले गली के अंदर ही जाके सुनार वाले। हम मोड़ रहे हैं और सामने जो है वो हमारा आएगा क्या, एट्रियम मॉल। एट्रियम मॉल जाते हुए आपने ये बिल्डिंग तो ज़रूर देखी होगी, बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे ये बिल्डिंग, और इसको अगर अच्छे से रेनोवेट कर दिया जाए ना, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। और ये रोड मुझे, मेरा सबसे फेवरेट रोड है ये यहाँ का, तो बेहतरीन रोड है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रोड। और ये बिल्डिंग देखें आप, इतनी खूबसूरत शानदार बिल्डिंग है यहाँ पर। और ये सामने हमारा रेक सेंटर है, जहाँ पर आप ब्रांडेड पेंटें आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंतहाई कम रेट में जो है आपको ओरिजिनल ब्रांडेड पेंटें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आए, और ये सामने जो है आपको बिल्कुल एट्रियम मॉल है, इस मॉल के अंदर जो है आपको एट्रियम, पिज़्ज़ा हट और सारे आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, सारी नई नई चीज़ें। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ये है कि जैसे डिफेक्टेड होते हैं थोड़े बहुत, कुछ ना कुछ मसले डिफॉल्ट होते हैं, वही पेंटें यहाँ पर आपको बहुत ही आधे से भी आधे, यानी कि 100 में से लगा ले आप 20% रेट में आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर, इतने सस्ते हैं यहाँ पर। चले आए, आपको हम आगे अंदर का भी सैर करवाएंगे और दिखाएंगे पेंटें आपको किस किस्म की यहाँ पर मिलती हैं। बस जुड़े रहिएगा कराची को टूर करते रहिएगा हमारी वीडियो के ज़रिए। और ये देखें, और ये देखें कि सलाम कर रहे हैं हमारे वीडियो को देखने वाले को, और ये हमारे भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पार्क करना। ये देखें, इस तरह से आप जब आएँगे यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाएँगे अंदर यहाँ पार्किंग वाला, और ये देखें बोले इधर लगा लें, इधर लगा लिए हमने, और ये भाई आ जाएंगे और टिकट आपको देंगे, टिकट आपको देंगे ये। ओके भाई, पार्क करते हैं, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।